Good morning, friends. So today is 4th of May and time is about 8:50 a.m. in Cape Town. और इंडिया में आई थिंक 12:20 हो रहा होगा आफ्टरनून का. तो ये क्विक वीडियो है अपडेट्स के लिए जो हमने पोजीशंस कैरी की थी या आज जो हमने ट्रेड्स लिए वो क्या है. मैं अपने ग्रुप्स आपको दिखाता हूँ, पोजीशन भी लाइव दिखा दूंगा मार्केट में. तो सबसे पहले हम पोजिशनल की बात कर लेते हैं. तो ये तो इंचरा का वेब पोर्टल है, इसमें जो अमाउंट है नेट अमाउंट क्या प्रॉफिट लॉस है वो दिखाता नहीं है. अगर आप डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन मतलब इसमें पोजिशनल में पोजीशन में क्या प्रॉफिट क्या लॉस है वो दिखाता नहीं है इसमें. बट अगर मैनुअली भी देखें 900 क्वांटिटी है मेरी 10,500 की पुट की, प्रीवियस क्लोज 732 था, अभी 1160 है. तो अबाउट 450 पॉइंट का प्रॉफिट है इसमें, विच कम्स अबाउट 4.5 लैक्स अराउंड. बैंक निफ्टी का 23,000 का पुट था 380 पे, अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3,300 है, प्रीवियस क्लोजिंग 1900 था. तो 1400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 380 क्वांटिटी, तो अबाउट 5.5 लाख का प्रॉफिट होगा. तो इन टोटल अराउंड 9-10 लाख का प्रॉफिट चल रहा है पोजिशनल होल्डिंग में. एंड आई थिंक नई सीरीज़ की शुरुआत अगर इतनी बेयरिश हुई है तो इट इज़ सेफ टू कैरी. बट देन नेवर गेट कॉम्प्लेसेंट विथ प्रॉफिट्स. तो मैं अपना ये स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ उसका, मे बी बैंक निफ्टी पे 500 पॉइंट और निफ्टी पे 100-150 पॉइंट, जस्ट इन केस कोई न्यूज़ आ जाए, मोदी जी आ जाए, कुछ स्टिमुलस दे दें, यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट भाग जाए, तो प्रॉफिट अपना सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो ये दोस्तों पोजिशनल जो हमारी होल्डिंग थी उसका स्टेटस है. उसके बाद मैंने कुछ जो मैंने आस्था ट्रेडिंग में बताया था कि ग्रुप है उसमें कॉल्स वगैरह देता हूँ, तो आज मैंने मॉर्निंग में क्या अपडेट था वो बताता हूँ. तो मैंने बोला था वेट फॉर कॉल, उसके बाद मैंने एक्चुअली वॉइस नोट में कॉल दिया था क्योंकि मुझे ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी करने होते. तो मैंने 9800 कॉल सेल करने को बोला था 36 पे, जो कि ज़्यादा टिका नहीं उतनी देर, तुरंत 30-32 पे आ गया था. तो ऑर्डर हमने रिवाइज़ किया, आई थिंक फाइनली 30 पे एग्जीक्यूट हुआ. टारगेट 22-23 का है. उसके बाद 9900 का कॉल भी 18.25 पे सेल किया है. उसके बाद पोजीशंस रिव्यू किए हैं, 9500 कॉल पे राइटिंग चल रही है, मॉर्निंग के एक आवर में 11.47 लैक्स वाई ऐड हुआ है. तो ये इंडिकेशन है कि हमारी पोजीशन सेफ रहनी चाहिए. तो ये थोड़ा सा एनालिसिस भी शेयर करते रहता हूँ इस ग्रुप में, और थोड़ी ज्ञान की बातें भी होती रहती हैं कि एक आउट द मनी ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी का होता है उसको एक्सपायर होने में कितने घंटे लगते हैं. तो इसका आंसर है अबाउट 31 आवर्स. सो हर एक घंटे के साथ ऑप्शन ज़ीरो की तरफ जाता है, लीनियरली नहीं जाता, एक्सपायरी के लास्ट 2 डेज में ज़्यादा गिरता है. बट देन जस्ट एक समझने वाली बात है कि एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की ज़िंदगी सिर्फ 31 घंटे की होती है अगर आप वीकली एक्सपायरी नहीं खेल रहे हो. तो इसीलिए कॉल राइटिंग हमेशा अच्छा रहता है, सेफ रहता है. ठीक है, अभी मैंने सबको बोला है कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि डाओ फ्यूचर्स डे हाई पर था और प्रॉफिट हमेशा आप पहले अगर है तो बुक कर लो, दूसरे कोई मौके होंगे तो देख लेंगे. तो देख लेते हैं क्या पोजीशन है इसमें. ये मेरा आस्था ट्रेड का वेब पोर्टल है. तो नेट पोजीशन MTM 14,287, अबाउट 14,000 का प्रॉफिट है. मैं भी इसमें देखता हूँ अभी डाओ का क्या पोजीशन है, या तो एग्जिट करूँगा
या फिर होल्ड करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये नेट नेट पोजीशन है और आई थिंक मेरा ओवरऑल व्यू बियरिश ही है, बिकॉज हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना कि दुनिया में छोटी सी प्रॉब्लम हो वो हमारे यहाँ बड़ी होती है। कोरोना वायरस पे हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, बट देन इमेजिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इंडिया में जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री का साइज़ इतना ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा ही होती हैं। तो अपसाइड मुझे लगता है बहुत लिमिटेड है, लोअर सर्किट भी नहीं लगाने वाला मार्केट, लेकिन धीरे धीरे जो पॉइजनस डाउन मूव्स होते हैं वैसा होना चाहिए। तो कॉल राइटिंग इज़ द बेस्ट वे नई सीरीज़ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये अपडेट है, मैं अपना भी पोजीशंस रिव्यू करता हूँ, तब तक नेक्स्ट अपडेट के लिए बाय।